दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली जोमैटो फूड डिलीवरी का पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देख लें, नहीं तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा कि गुल्ली अपने सामने बुल्ली को इस हालत में देखकर उस राक्षस जैसे आदमी को मारने के लिए एक डंडा उठा लेता है, लेकिन तभी गुल्ली को पीछे से एक मॉन्स्टर मारकर बेहोश कर देता है और इधर बुल्ली को भी मार के बेहोश कर दिया जाता है और ये दोनों राक्षस गुल्ली बुल्ली को वहां से ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां बारिश शुरू हो जाती है और न जाने क्यों वो दोनों मॉन्स्टर गुल्ली बुल्ली को वहीं छोड़ के वहां से भागने लगते हैं और बुल्ली बारिश की वजह से होश में आकर गुल्ली को जगाता है और गुल्ली बुल्ली से कहता है कि बुल्ली, हमें जल्दी से जल्दी बाबा के पास चलना होगा, यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है, हमारी जान खतरे में है। और ये लोग बाबा के पास जाने लगते हैं और ये लोग बाबा के पास जैसे ही पहुंचते हैं तो इन्होंने देखा कि वो दोनों मॉन्स्टर बाबा की बलि देने जा रहे हैं। दोस्तों, अब तो बाबा की जान ही खतरे में है। चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। गुल्ली और बुल्ली दोनों को विश्वास नहीं हो रहा है कि बाबा इन दोनों से हार चुके हैं और ये लोग इनको मारने जा रहे हैं, लेकिन तभी बुल्ली आंख बंद करके चिल्लाने लगता है। अरे, ये तो इस बार बुल्ली सपना देख रहा था। गुल्ली कहता है कि तुम चिल्लाए क्यों बुल्ली, कहीं तुम्हारी आंख तो नहीं लग गई थी चलाते चलाते। बुल्ली कहता है कि हाँ गुल्ली, लगता है मैं 10 सेकंड के लिए सो गया था, अच्छा हुआ गाड़ी गिरी नहीं। और गुल्ली, तुम्हें पता है मुझे अभी अभी एक सपना आया कि दो राक्षस बाबा की बलि चढ़ाने जा रहे हैं। ये बात सुनकर गुल्ली कहता है कि बात बहुत सीरियस है बुल्ली, जल्दी से चलो बाबा के पास। और ये लोग बाबा के घर पहुंच जाते हैं और अरे, ये बाबा तो यहां आग जलाकर अपने योग में डूबे हुए हैं। गुल्ली कहता है कि बुल्ली, बाबा को तो उठाना पड़ेगा, उनसे बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। बुल्ली कहता है कि गुल्ली, तुम तो जानते ही हो कि बाबा जब भी अपनी योग साधना में रहते हैं तो अगर उन्हें कोई बीच में उठा देता है तो उसके साथ क्या हो सकता है। गुल्ली कहता है कि मैं जानता हूं बुल्ली, लेकिन मेरा यकीन करो, अगर हमने बाबा को अभी नहीं उठाया तो हम मारे जाएंगे। बुल्ली कहता है कि गुल्ली, अगर हमने सामने से बाबा को उठाया तो बाबा अपनी लेजर की पावर से हमें जलाकर राख कर देंगे, हमें बाबा के पीछे जाकर उन्हें जगाना चाहिए। और अरे, ये तो बाबा की आंख खुल गई और अरे, ये तो बाबा ने अपनी आई लेजर की पावर से अपने सामने अटैक कर दिया। अच्छा हुआ गुल्ली और बुल्ली बाबा के सामने नहीं थे और बाबा धीरे से नीचे उतर आते हैं और गुल्ली बुल्ली को अपने सामने देखते हैं और उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कि अरे गुल्ली बुल्ली, तुम यहां कब आए और तुम लोग इतनी रात में मेरे घर पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अपने घर होना चाहिए, तुम ठीक तो हो ना। बुल्ली कहता है कि ये तो गुल्ली ही बता पाएगा आपको बाबा। गुल्ली कहता है कि बात बहुत सीरियस है बाबा, हम लोग एक रेस्टोरेंट में पिज्जा पार्सल का वेट कर रहे थे क्योंकि हमने हाल ही में डिलीवरी का काम शुरू किया है जोमैटो में। तभी मुझे कुछ देर के लिए नींद आ गई थी और उस वक्त मैंने अपने सपने में देखा कि किसी आदमी ने बुल्ली को सपने में मार दिया। तभी बुल्ली ने मुझे नींद से उठाया और हम वो पिज्जा डिलीवरी करने चले गए और पहले घर पहुंचकर मैंने डोरबेल बजाया तो उसमें से वही आदमी निकला जिसको मैंने सपने में बुल्ली को मारते हुए देखा था। और तभी मेरी नींद खुल गई और मेरी नींद खुलते ही मैंने अपने आप को बुल्ली के स्कूटर पर पाया। मैं अभी भी पिज्जा की डिलीवरी करने जा रहा था। तब वहां पहले घर पर पहुंचकर मैं पिज्जा देने गया और जब वापस आया तो बुल्ली स्कूटर से गायब था। तभी मैंने आसपास में देखा तो पाया बुल्ली उस आदमी के साथ पास में ही झूला झूल रहा था, वही आदमी जिसको मैं बार बार अपने सपने में देख रहा था। तभी मैंने एक डंडा उठाया उसे मारने के लिए, लेकिन तभी मैं बेहोश हो गया, शायद किसी ने मुझे मार कर बेहोश कर दिया था। और रास्ते में भी मुझे एक बार उस आदमी का सपना आया था। बुल्ली कहता है कि ऐसा ही सपना तो मुझे भी आया था गुल्ली, जिसने बाबा मैंने देखा कि दो राक्षस आपकी बलि देने जा रहे हैं। बाबा कहते कि ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो गुल्ली बुल्ली,
लगता है तुम दोनों की नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए तुम दोनों को वहम हो रहा है। गुल्ली कहता है कि बाबा अभी अभी हम उन दोनों से सामना करके आ रहे हैं और पता नहीं उन्होंने बुल्ली के साथ क्या कर दिया था। बुल्ली को उसके बारे में कुछ याद नहीं है। वो दोनों हमें लेकर कहीं जा रहे थे लेकिन तब तक बारिश आ गई और वो दोनों हमें छोड़कर भाग गए। उसके बाद हम लोग आपके पास भाग कर आ रहे हैं। बाबा कहते कि अच्छा, मतलब बारिश आते ही वो दोनों वहां से भाग गए थे। गुल्ली कहता है कि हाँ बाबा, लगता तो यही है। अभी ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो दोनों राक्षस बाबा के घर के सामने आ जाते हैं और गुल्ली बुल्ली उन दोनों को देख लेते हैं और बाबा भी पीछे मुड़कर उन दोनों को देखते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम तो सही कह रहे थे गुल्ली, ये लोग तो सच में हैं। क्या इनमें से ही कोई तुम्हारे सपने में आकर तुम्हें परेशान करता है? गुल्ली कहता है कि हाँ बाबा, ये जो छोटा वाला दिख रहा है आपको, वही परेशान करता है मेरे सपने में आकर मुझे। बहुत डरावनी चीजें दिखती हैं मुझे, पता नहीं कैसे। और अरे, ये बाबा का एक्सट्रीम मूड ऑन हो रहा है। और अरे, ये तो बाबा ने अपनी लेजर की पावर से इसको एक बार में ही ब्लास्ट कर दिया। और ये देखकर ये मॉन्स्टर एकदम डर चुका है। और अरे, बाबा तो ठीक इसके सामने आ गए। लगता है बाबा को अब कोई नहीं रोक सकता। और बाबा इन दोनों को ख़त्म कर चुके हैं और बाबा ने इन दोनों को मार दिया है फाइनली। गुल्ली और बुल्ली ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं ऐसी न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आप उसे सबसे पहले देख सकें।